स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। जल शक्ति विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा नोटिस के बाद भी नहीं रुका कार्य। पावटा साहिब में आईपीएच विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग को शिकायत करने के बाद विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस तक जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आईपीएच विभाग की जगह पर अवैध निर्माण जारी है। मामला तारूवाला का है, जहां पर शिव मंदिर के नजदीक आईपीएच विभाग की जमीन पर एक व्यक्ति अवैध निर्माण कर रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्य करने से रोका गया था, लेकिन व्यक्ति ने वो काम अभी भी जारी रखा। जल शक्ति विभाग के XEN का कहना है, इस विषय में पुलिस SDM और तहसीलदार को भी पत्र लिखा गया है। अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वही कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति ने भी आखिर में आकर मीडिया का दरवाजा खटखटाया, मीडिया से गुहार लगाई है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे को रोका जाए। उसने MC पोटा में भी कंप्लेंट की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ दिनों पहले भी खबर लगी थी कि 30 रुपए में कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो। अब तो बिना पैसे के ही सरकारी जमीन पर कब्जे होने शुरू हो गए। आखिरकार अब उड़ेगी प्रशासन की नींद। सवाल ये उठता है कि कंप्लेंट के बाद भी डिमार्केशन क्यों नहीं? क्या किसी दबाव में नहीं की जा रही कार्यवाही? अब देखना ये है कि खबर प्रकाशन के बाद भी प्रशासन जागता है या फिर कुंभकर्ण की नींद में सोया ही रहता है। नवभारत समाचार, पावटा साहिब, हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।